फिल्म स्टूडियो घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं भीमली बीच, जो ऋषिकोंडा बीच से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीमली वाइजेक का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है दोस्तों। हम पहुंच चुके हैं भीमली बीच और यहां का नज़ारा कुछ ऐसा है। भीमली बीच की शुरुआत हमने नारियल पानी के साथ की। भीमली बीच को घूमने के लिए सभी ने नारियल पानी का एनर्जी ले लिया है और अब हम चलते हैं बीच की तरफ। यह है भीमली का कटआउट जो काफी अट्रैक्टिव लगता है। साथ ही यहाँ है महात्मा गांधी जी की मूर्ति। यह है बीच का एंट्रेंस, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों ये बीच बहुत गहरा व खतरनाक है, तो इस गहरे वाले साइड पे नहाना मना है। भीमली बीच पे बच्चों के खेलने के लिए टॉय एरोप्लेन। और अगर आपको नहाना ही है तो आप इस साइड पे नहा सकते हैं। हेलो गाइस, हम लोग हैं अभी भीमली बीच पे। एक बेहतरीन बीच है ये। पूरा नारियल का पेड़ जो है कॉर्नर कॉर्नर पे लगा हुआ है। लंबा आधा किलोमीटर के तकरीबन भी ये नारियल का पेड़ लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर व्यू आता है नारियल के पेड़ के साथ इसका नीला नीला बीच का व्यू।
बहुत ज़बरदस्त ये बीच है। मैं भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा होगा, नाव ये है हमारे फ़ोटोशूट के कुछ फ़ोटोग्राफ्स। यहाँ फ़ोटोग्राफ्स जो है कमाल के आते हैं। सुंदर नज़ारा, नारियल के पेड़ और सी बीच, कितने सुंदर लगते हैं आप देख ही सकते हो इस वीडियो पे। फाइनली अब हम इस बीच को घूमकर वापस विशाखापट्टनम जा रहे हैं। मिस करेंगे इस सुंदर नज़ारों को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।